सौरभ दुबे, सौरभ दुबे विपक्ष इस तरह से जो हमारे पैनल में जो विपक्षी गठबंधन के लोग हैं, जैसे ईडी सीबीआई अपना काम कर रही है, अब सवालों के घेरे में चुनाव आयोग भी आता नजर आ रहा है। सौरभ दुबे, नहीं ये तो आरोप लगाया जा रहा है ना, घेरे में नजर कैसे आ रहा है, ये आरोप लगाया जा रहा है विपक्षी पार्टियों के द्वारा। देखिए जब मुद्दे नहीं हो आपके पास, नेता नहीं हो, नीति नहीं हो, नियत नहीं हो, तो इस प्रकार के संवैधानिक संस्थाओं पे तो आरोप लगाने का प्रयास कई वर्षों से किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं साफ साफ दिखता है कि जो एक इंडी अलायंस बनाया गया था कि वो मजबूत होकर के नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेगा, वो कहीं ना कहीं असफल होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए मुख्य रूप से क्या है, ये पार्टियों का गठबंधन नहीं है, ये पार्टियों के अंदर जो बड़े नेता है ये अहंकार का गठबंधन बना है। अभी जब शुरू शुरू में नीतीश कुमार संयोजक बने थे तो नीतीश कुमार जी को आज पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया गया है। अब राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात चल रही है, उधर अखिलेश यादव जी को मंत्री बनाने की बात चल रही है। तो ये जो पार्टियों का अपना अहंकार है, अहंकार है, ये कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, जो कारण से इंडिया अलायंस जो है वो असफल जा रहा है। अब जब वो असफल हो रहा है तो पास दिखाई दे रहा है ईवीएम। देखिए ईवीएम अगर ईवीएम पे सवाल उठा था तो आपने कर्नाटक जीतने की बात क्यों नहीं उठाया, आपने हिमाचल चुनाव प्रचार जीतने की बात नहीं उठाया। ये जिस टेक्नोलॉजी की बात कर रही है कि मेरा बेटा वहां से कार खुलते हुए देख लेता है, तो उनको इस बात को समझना चाहिए कि अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि इधर से आलू डालो और उधर से सोना बन लेगा। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी जो है, जो पॉजिटिव टेक्नोलॉजी होती है, उसको उसी दायरे में देखना चाहिए, इस प्रकार से कंफ्यूजन नहीं करना चाहिए। देखिए लेकिन मूल बात क्या है, जो चुनाव आयोग है, संवैधानिक संस्थाएं हैं, अगर विपक्ष को तब भी लगता है अगर उनको ईवीएम पर शंका है तो उसके पास जाए, पहले इकट्ठा तो हो। समस्या क्या है, इंडिया अलायंस क्या नहीं हो पा रहा, अभी सीट बंटवारे हुए नहीं है, उसके पहले इतने आपस में तनाव है। देखिए इसके अंदर क्या है, जो बेरोजगारी है या जो मध्य चैनल पे उठाते हैं उस पर कभी भी आपने सड़कों पर आंदोलन करते हुए नहीं देखा होगा। उन्होंने सिर्फ आंदोलन कर दिया जब राहुल गांधी जी का घर चला गया, जब राहुल गांधी जी ने अपना घर छोड़ा तो उनके सुख सुविधा के लिए कांग्रेसियों ने सड़क पे आकर के आंदोलन किया, लेकिन कभी जनता की समस्या के निवारण के लिए इन्होंने कभी भी सड़क नहीं आए। ठीक है, आपने सीट शेयरिंग का जिक्र किया सौरभ दुबे, ये सीट शेयरिंग अगर मैं सिर्फ कुछ ही राज्यों की बात कर लूं, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र और साथ ही अगर मैं बात कर लूं केरल की भी, तो ये इन इन राज्यों में इस वक्त चुनौती किसके लिए बड़ी दिख रही है? सर्व अनम्यूट कीजिए आप। अगर बंगाल और उत्तर प्रदेश को आप मिला देंगे तो 122 सीटें हैं, 122 सीटों में सिर्फ 3 सीट ऐसी है जिसमें कांग्रेस अभी तक जीती है। तो सबसे बड़ा विचार करने का प्रश्न कांग्रेस पार्टी के लिए है, जिस प्रकार से जदयू के प्रवक्ता बयान दे रहे हैं, देखिए अभी नीतीश कुमार स्थिर नहीं है, आप इतनी जल्दीबाजी मत करिए, पता नहीं इंडी गठबंधन के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे। जिस प्रकार से बड़ा अपमान हुआ होगा गठबंधन के अंदर, तो मुझे नहीं लगता कि अभी नीतीश कुमार जी ने पूर्णतः डिसीजन ले लिया है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता चैनल पे आकर के बैठ करके और संवैधानिक संस्थाओं पे, चुनाव आयोग पे, और अभी इन्होंने अपने बयान में कोर्ट पर भी लांछन लगा रहे हैं, इनको समझना चाहिए, इनके बेटे पढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी लेने बाहर जाते हैं हिंदुस्तान के, लेकिन हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी आएगी तो ईवीएम हैक हो जाएगा। अजीब सी बात है, आप अपने नेटे को पढ़ाने के लिए विदेश भेजिए। सौरभ समय थोड़ा सा कम है मेरे पास, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप बहुत है, सवाल हर किसी के मन में है और हर कोई जवाब देना चाहता है। वैसे में जो ये दो मोर्चे, सीट शेयरिंग और दूसरा ईवीएम हैकिंग को लेकर जो सवाल अब विपक्षी गठबंधन की तरफ से उठाया जा रहा है, इसका कितना माकूल जवाब, उन्हें क्या मिलता है और उस पर क्या स्टैंड अब विपक्षी गठबंधन इंडिया का रहता है, दूसरी तरफ क्या सीट शेयरिंग की ये चुनौती एनडीए के भी सामने कुछ राज्यों में लेकर है, तमाम इनको लेकर हम चर्चा आगे भी करते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए ब्रेकिंग विद एजेंडा में इतना ही, नमस्कार।